वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप पूरी सुनेंगे, बिकॉज देर आर वेरी सिवियर कंडीशन दैट आर हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, इन दिस इंडिया स्पेशली. और आपको सुन के ऐसा लगेगा कि आपको अपने आप को सेव करना है. आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस दैट आई हैड फ्रॉम कोविड सिचुएशन इन द सेकेंड वेव, इसलिए मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाई है. प्लीज़ ये पूरी सुनिएगा, दिस इज़ अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड ये आपको हेल्प करेगी फ्रॉम कोविड सिचुएशन. हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल. माई नेम इज़ वैशाली शर्मा एंड आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर. सो बेसिकली दीज डेज कोरोना इज इन इट्स पीक लेवल, और ये कहें तो सेकेंड वेव चल रही है एंड किसी को कुछ नहीं पता है कि क्या होने वाला है. मैं भी घर में आइसोलेटेड हूँ, क्वारंटाइन हूँ, बिकॉज बेसिकली हम कॉलेज से आए थे एंड कॉलेज में जो मेरी फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मतलब इधर उधर हम एक दूसरे के रूम में घूमते थे, दे आर ऑल्सो कोविड पॉजिटिव एंड द फैक्ट इज नाउ उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सिवियर है एंड मैक्सिमम पीपल आई नो आर कोविड पॉजिटिव. इन माई फैमिली ऑल्सो एक मेजर सिवियर कंडीशन हो चुकी हैं लोगों की एंड पीपल आर डाइंग. एंड सो आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें मैंने कोविड के बारे में जो 2019 से चल रही है मैंने अब जाके क्यों बताया, बिकॉज अब मुझे चीज़ें बेसिकली पता चल रही हैं कि कितनी सिवियर है. मतलब पता पहले भी थी, अब बस बेसिकली आई नो कि वॉट इज़ हैपनिंग एंड वॉट शुड वी डू एंड वॉट शुड वी नॉट डू. दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बिकॉज ये वीडियो अभी भी अब इस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है मुझे, बिकॉज अभी जो कंडीशन है वो पहले नहीं थी. लास्ट ईयर इतनी सिवियर कंडीशन नहीं थी. अगर मैं आपको एक ग्राफ और अगर मैं आपको एक स्टैटिक्स के थ्रू बताना चाहूँ तो अर्लियर जो फर्स्ट वेव हमारी कोरोना की आई थी, जो जहाँ शमशान घाट जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर डे अराउंड 20 to 25 डेथ होती थी, डेड बॉडी जो बर्न होती थी. लेकिन इस वेव सेकेंड वेव का जो रेशो है उसके हिसाब से देखा जाए तो बेसिकली 100 to 120 डेड बॉडीज बर्न हो रही है एवरी डे. सो इफ़ यू थिंक अबाउट इट, फाइव टू सिक्स टाइम्स जो रेशो इंक्रीज हुआ इफ़ यू सी विद द स्टैट्स. दैट इज़ वाई आई थॉट कि ये वीडियो इस टाइम पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है. अगर आप यंग एज है, प्रॉबेबली फ्रॉम 18 to 24 या 14 to 24 एट एनी एज, तो आपको टेंशन लेनी है. क्यों लेनी है? नॉट बिकॉज ऑफ अपने आप से, बिकॉज हमारी इम्यूनिटी कंपेयर टू अदर्स आर बेटर. बट ऐसा नहीं है कि कोरोना वैसे किसी की भी बैंड में जा सकता है मुझसे, लेकिन कंपेयर टू अदर्स एज हमारी बेटर इम्यूनिटी होती है. लेकिन डरने की क्यों बात है जब हमारी एज इतनी अच्छी है दैट वी कैन हैंडल इट, बिकॉज इट कैन गेट इन्फेक्टेड टू आर पेरेंट्स, आर ग्रैंड पेरेंट्स और हमारे छोटे भाई बहन. दिस इज़ द फैक्ट आई वॉन्ट टू टेल यू कि इस टाइम पर हमको सेव होके रखना है, अदरवाइज द सिचुएशन विल गेट वर्स. एंड मैं बताती हूँ क्या हुआ मेरी फैमिली सिचुएशन में, क्या हो रहा है कि उनके पास एक दिन का इंजेक्शन ऑफ रेमडेसिविर एंड द ऑक्सीजन लेवल इज़ बिलो 30 एंड बेसिकली अगर 92 से ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो सिवियर कंडीशन हो जाती है, उनकी 30 है. तो थिंक अबाउट इट, व्हाई आई एम गेटिंग वरीड अबाउट इट, बिकॉज यू नीड टू गेट वरीड अबाउट इट, बिकॉज आई केयर फॉर यू गाइज एंड दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग प्लीज़ प्लीज़ व्हाट आई एम डूइंग यू शुड ऑल्सो डू. बेसिकली डू नॉट गेट आउट ऑफ योर हाउस. और अगर आपको कुछ सामान लेना है, कुछ भी लेना है, यू गो आउट. अगर आप यंग एज में तो आप बाहर जाके आप सामान लीजिए, एट एनी कॉस्ट अपने पेरेंट्स को मत भेजिए. इस टाइम पे बेसिकली एवरीबडी विल गेट इन्फेक्टेड डेफिनेटली एट एनी कॉस्ट. 100% जितनी भी हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है वो सब इन्फेक्ट होंगे, बिकॉज दिस इज वॉट हर्ड इम्यूनिटी. हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है बेसिकली, मतलब हमारे बॉडी में एक इम्यूनिटी प्रेजेंट हो जाती है जिससे वो अनइन्फेक्टेड पीपल को ना हो. सपोज जैसे पोलियो वायरस है, हम पोलियो वैक्सीन लगवाते हैं जिससे अनइन्फेक्टेड पीपल को ना हो, राइट. और जैसे हम वैक्सीन लगवा रहे हैं कोरोना की, उससे क्या होगा कि जो अनइन्फेक्टेड पीपल है उनको भी कोरोना वायरस ना हो. दिस इज वॉट हर्ड इम्यूनिटी इज, कि इन्फेक्टेड पर्सन से अनइन्फेक्टेड पर्सन को ना हो. दिस इज वॉट हर्ड इम्यूनिटी इज. सो बेसिकली हमारे हर किसी की बॉडी में एंटीबॉडीज बन रही हैं. इसीलिए मैं कहूँगी कि सबको एक बार कोरोना वायरस होगा. लेकिन अगर आप बाहर नहीं जाएंगे, अगर आप म्यूटेटेड या फिर गंदा वाला म्यूटेटेड वायरस अपने घर नहीं लाएंगे, तो हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे छोटे भाई बहन को वो वाला वायरस नहीं होगा कंपेयर टू द अदर, जो हमारे हर्ड इम्यूनिटी बनाने में हेल्प करेगा, समझ रहे हैं. क्योंकि वैक्सीन में जो क्या होता है, लाइव या किल्ड वायरस होते हैं जो हमारे बॉडी में ऑटो इम्यूनिटीज, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं, जिससे क्या होता है इम्यूनिटी बनती है लेकिन इन्फेक्शन नहीं होता. दैट इज़ द डिफरेंस. इसीलिए मैं कहूँगी कि बाहर मत जाइए. और अगर आप बाहर जाएंगे तो आप लोग जाएंगे, नॉट योर पेरेंट, नॉट योर ग्रैंड पेरेंट, नॉट द स्मॉल चिल्ड्रन.
दिस द डिफरेंस बिकॉज वी हैव अ बेटर इम्यूनिटी. एंड अगर आपको कुछ काम है और आप बाहर जा रहे हैं और बहुत देर तक बाहर जा रहे हैं और आपको लगता है कि आप इन्फेक्ट हो सकते हैं, तो डेफिनेटली आई विल से कि आप क्वारंटाइन हो जाइए, घर पे रहिए क्वारंटाइन होके अपने रूम में. आई विल से कि why should we get worried about. फिर और मैं क्या कहूँगी, विटामिन सी जितना आप ले सके लीजिए, ऑरेंज जूस, मौसमी का जूस जो भी है, नारियल पानी. एंड रेमडेसिविर का इंजेक्शन जो आजकल इतनी हालत बुरी है कि यू आई कॉन्ट टेल एनीबडी, क्योंकि इतनी जो मैं जिसको मेरे घर पे रोज़ फ़ोन आता है कि यार वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो सकते हैं क्या, हॉस्पिटल बेड्स मिल सकते हैं क्या, कोरोना के रेमडेसिविर का इंजेक्शन मिल सकता है क्या, उसका फलाना ढमकाना कुछ भी. देर इज़ अ डिमांड दैट इज़ इंक्रीजिंग लाइक हेल. आप इंस्टाग्राम पे अपने दोस्तों की पोस्ट भी देखते हो, उसमें भी ये आ रहा है अर्जेंटली नीडेड दैट, अर्जेंटली नीडेड दिस. किसी भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ पे देख लीजिए, उनके भी पोस्ट ऐसे ही भरे पड़े, अर्जेंटली नीडेड दैट दिस वेयर देयर. एंड यू नो आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा बुरे हाल हैं. इसीलिए मैं आपको कहूँगी, आपको बचाना आपका काम है, आपकी फैमिली को बचाना आपका काम है. घर पे बैठ के आप बेकार नहीं बनेंगे, यू विल बी अ सेवियर, यू विल बी अ सोल्जर, क्योंकि आप बचा रहे हैं अपने आप को और दुनिया को भी. बिकॉज आप घर पे रहेंगे और अगर आप इन्फेक्टेड हैं या नहीं है तो आप आगे नहीं फैलाएंगे. दिस इज़ द डिफरेंस आई वॉन्ट टू टेल यू. इसीलिए मैं कहूँगी जस्ट स्टे सेफ एंड डू नॉट स्प्रेड दिस बिकॉज. और अगर मैं आपको कहूँ तो ग्रीन टी आप बहुत पी सकते हैं, बिकॉज ग्रीन टी हेल्प्स टू बूस्ट इम्यूनिटीज एज इट हैज़ एंटी ऑक्सीडेंट्स, राइट. सो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि यार दिल से कहूँगी कि ये कंडीशन बहुत सिवियर है इस बार, एटलीस्ट बहुत सिवियर है. लास्ट टाइम जब लॉकडाउन था तो मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा बाहर जाती थी, एटलीस्ट वॉकिंग करने शाम को, बट इस टाइम नहीं जा रही हूँ बिकॉज इससे पहले इतनी सिवियर कंडीशन नहीं थी जितनी अब हो चुकी है. लिटरली आई एम टेलिंग यू, कोरोना बेड्स खाली नहीं है, आईसीयू में खाली नहीं है इस बार. अभी व्हाट माय फ्रेंड टोल्ड कि शी बेसिकली शी इज़ इन भोपाल एंड शी टोल्ड कि जब वो स्कैन कराने गए वहीं पर एक पेशेंट थी कोरोना की, वो फेल डाउन हो गई बिकॉज उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ड्रॉप हो गया. थिंक अबाउट इट, इतना सिवियर कंडीशन हो रहे हैं. यंग पेशेंट, माई फ्रेंड हु इज़ वेरी यंग, अनदर फ्रेंड हु इज़ वेरी यंग एट आर एज ओनली, उसकी इतनी सिवियर कंडीशन है कि वो बोल नहीं पा रही है, उसकी सांस खराब है, उसका फीवर बहुत ज़्यादा. थिंक अबाउट इट, एट आर एज उसकी ऐसी हालत हो रही है. उस और अनदर फ्रेंड है, उसके कफ इतना ज़्यादा बढ़ गया है रात में और इतनी सिवियर हेडेक है. एंड मैं ये कह रही हूँ कि ये तो यंग जनरेशन की हालत है, व्हाट अबाउट द पीपल आर 40 और 50. और आई एम टेलिंग अबाउट माय फैमिली मेम्बर्स, वो बोल नहीं पा रहे हैं. आई मैंने उनसे बात भी करी कि जस्ट लाइक दे आर नॉट एबल टू स्पीक, ऑक्सीजन लेवल 30 से नीचे जा रहा है, रेमडेसिविर के इंजेक्शन लग रहे हैं रोज़. रेमडेसिविर इज बेसिकली एन एंटीवायरल ड्रग, हर रोज़ उनके इंजेक्शन लग रहे हैं. अगर वो नहीं देंगे तो डॉक्टर्स आर सेइंग वो बच नहीं सकते. कहीं ना कहीं से वी आर डूइंग जुगाड्स टू गिव देम इंजेक्शंस. तो इसीलिए आई एम टेलिंग यू जस्ट स्टे होम, स्टे सेफ and do whatever you want to do but at home, because ye condition mein agar aap ghar nahi rahe to think about what will happen later on, consequences aapko jhelne padenge. isliye main keh rahi hu wo consequences na jhelne ke liye stay at home. and basically main wahi kahungi ki precaution lete rahiye, kaadha piye, matcha tea pijiye, juice pijiye, nariyal pani pijiye, aur agar kuch bhi halke se symptom dikhe to test karaiye. aur test nahi karana hai ये मत सोचिए कि टेस्ट नहीं कराना, बिकॉज मैं एक बताती हूँ, एक कंडीशन मुझे पता चली थी कि मैम जस्ट शेयरिंग माई नॉलेज आता है हाई ऑन द केसेज आई नो. क्या हुआ था, उन्होंने टेस्ट कराया, कोरोना पॉजिटिव थे, ध्यान दिया नहीं, सिम्टम्स आ रहे थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, दे लाइक ठीक हो जाएगा. एंड सडनली शी डाइड. शी वॉज अ मदर ऑफ टेंथ चाइल्ड, जो एक शी वॉज अ मदर जिसकी एक बच्चा एक टेंथ में था, एक बच्चा ट्वेल्थ में था. थिंक अबाउट इट, सो यंग. थिंक अबाउट इट, जो अगर आपने केयरलेसनेस करी इट विल बी अ डेफिनेटली डिजास्ट्रस कंडीशन. एक और केस मैं आपको बताती हूँ. शी वॉज ऑल्सो बोथ पेरेंट्स, फादर एंड मदर डाइड बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज उनको बेड नहीं मिल रहे थे आईसीयू के, कोविड बेड नहीं मिल रहे थे. एंड देवर पेरेंट्स ऑफ टू चिल्ड्रन, वन वॉज 4 एंड वन वॉज 6 ईयर्स ओल्ड. थिंक अबाउट इट, वो तो बहुत ही छोटे हैं एंड उनके ग्रैंड पेरेंट्स आर लाइक हम इनका कैसे ख्याल रखेंगे, हमारे पास तो खाने पीने की जगह नहीं है. Think about it. Just definitely think about it. What the cases I'm hearing about. उन्होंने ये कहा कि हमारे पास खाने पीने की नहीं है, अगर ये बच्चे भी इन्फेक्टेड हो गए तो हम क्या करेंगे. वो इनका पापा ही था जो असली में पैसे कमाता था, वन अर्निंग सोर्स, वो क्या करेंगे, वो वैसे ही बूढ़े हैं, अब उन बच्चों का कैसे ख्याल रखेंगे जो सिर्फ 4-5 साल के हैं एंड वो भी बड़े भी हैं. थिंक
थिंक अबाउट दैट देयर बी विदाउट देयर पेरेंट्स. इसीलिए मैं कहूँगी जस्ट स्टे सेफ एंड ये प्रिकॉशन जितना ले सके लीजिए, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी. होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ऑन माई चैनल, बिकॉज व्हेनेवर यू डू सो आई फील मोटिवेटेड, बिकॉज यू आर माई फैमिली.